It is always my pleasure to serve others. Food is not just to kill the hunger, but it brings people together. तो इस नोट के साथ मैं आ गई हूँ सेकेंड पार्ट में लेके दो और रेसिपीज। कौन सी दो रेसिपीज है ये तो आपको टाइटल से पता चले गया होगा। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड टेस्टी ऑल्सो। हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ऑन एंड ऑफ द प्लेट। I hope all the kitchen queens and their families are fit and fine. तो शुरू करते हैं रेसिपी से। तो मैं ये पहले प्रॉन की रेसिपी बना रही हूँ, प्रॉन कटलेट। तो मैंने कुछ अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ प्रॉन लिया है, 12-13 पीसेस होंगे। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं कट ऐसे कर रही हूँ जैसे प्रॉन के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें मैं स्लिट लगा रही हूँ। स्लिट्स ऐसे लगाना है कि इसको पूरा हाफ नहीं करना है, लाइक मुझे ये ओपन हो जाए और मुझे ये एक फ्लैट प्रॉन मिल जाए। आप देख सकते हो ये ऐसे ओपन हो जा रहा है, खुल जा रहा है पूरा। ये वाली रेसिपी भी मैंने एक दिन पहले नाइट में करके रेडी करके रख दिया था और नेक्स्ट डे गेस्ट आने से पहले जस्ट फ्राई कर लिया था। ऐसे ही हम सारे प्रॉन्स को कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में दैट आई प्रिपेयर अ मेनू, आई राइट इट डाउन और उस हिसाब से मैं काम भी डिवाइड कर लेती हूँ। इससे प्रेशर भी नहीं रहता एंड थिंग्स गेट्स इजीली मैनेज्ड। Now let's take few spices. Turmeric powder, chili powder, dhaniya, jeera and salt. To it we will add 1/2 tablespoon of ginger and garlic paste. लेमन जूस, मैंने मार्केट ब्रॉट लेमन जूस यूज़ किया है, आप फ्रेश लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ले ली है थोड़ी सी धनिया और इसको फाइनली चॉप करके इसको भी ऐड कर दूंगी। नाउ आई एम हीटिंग 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। आप कोई दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इसी मिक्सचर से प्रॉन्स को हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। लेट्स प्रिपेयर फॉर द कोटिंग नाउ। कोटिंग के लिए मैंने एक एग लिया है, उसको अच्छे से बीट कर लिया है और उसके साथ ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब एग के मिक्सचर में हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। बट यू नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं दावत के लिए डिशेस बना रही हूँ एंड अलॉन्ग विथ इट मेकिंग वीडियोज़ ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दो चीज़ें मेरी रह भी गई थी एंड दैट वॉज टू स्टार्टर्स। टाइम हो गया था ख़त्म एंड मुझे बुरा भी लग रहा था, बट इट्स ओके, स्लोली स्लोली कैमरा के साथ भी मैनेज करना आ ही जाएगा। क्योंकि ऐसी भी पार्टीज थी जिसमें मैंने 16-17 डिशेस अकेले विदाउट एनी हेल्प बनाया था, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था दैट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट एज आई प्लान। एनीवेज रेसिपीज़ में वापस आते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने ले लिया है एक प्रॉन, उसको पहले हम एग में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर रिपीट करेंगे उसको, फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में। दिस माइट लुक लिटिल लेंदी बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही यम्मी एंड बहुत टेस्टी बनती है।
यू कैन गिव एनी शेप ऑफ योर चॉइस एंड विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ इसको थोड़ा फ्लैटन करके यू कैन गिव द शेप एज यू कैन सी। ऐसे ही हम सारे प्रॉन के पीसेस को कोट कर लेंगे, फर्स्ट विद एग एंड देन ब्रेड क्रम्स, देन अगेन वी विल रिपीट एग एंड ब्रेड क्रम्स। ये आप ऐसे ही कोट करके फ्रीज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल कटलेट्स होते हैं। 2-3 दिन आप इसको आराम से रख सकते हो, जब चाहिए निकाल के फ्राई करो और यूज़ कर लो। तो मैंने ये प्रीवियस नाइट में सारे प्रिपेयर करके अच्छे से बना के रैप करके इसको फ्रीज में रख दिया था और नेक्स्ट डे फ्राई किया था मैंने। फ्राई करने के लिए वेल को हम पहले हीट कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं जो नेट की लीड होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास डीप फ्राइंग रैक नहीं है। और डायरेक्ट ही टिश्यूज़ में रखने से बहुत सॉगी सा हो जाता है, जो तो जब ठंडा हो जाए तब मैं टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अब हम इन्हें दोनों साइड से थोड़ा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारा प्रॉन कटलेट भी रेडी हो गया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा मस्टर्ड सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब तक हो रहा था डिनर का टाइम और हम डिनर थोड़ा जल्दी ही करते हैं, तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो जल्दी से भी बन जाए और फटाफट से हम डिनर भी कर ले और जब बाकी की जो मेरी वर्क पेंडिंग है वो भी मैं फिनिश कर लूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पालक चिकन। तो फिर मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पालक ले लिया है। मैं जब भी मार्केट से वेजीज लेके आती हूँ उनको अच्छे से क्लीन करके और मैं फ्रीज में स्टोर करने के लिए ऐसे ही बॉक्सेस में डाल के फिर स्टोर करती हूँ। ये अच्छे से कम मेरे 1 वीक के लिए तो मेरे आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पालक को वॉश करके और फाइनली चॉप कर रही हूँ। Along with it, I have chopped 1 onion and a big size and 1 tomato. अगर मैं यहाँ पे कोई सब्जी बनाती तो उसके साथ दाल की भी रिक्वायरमेंट होती एंड कुछ और भी चाहिए होता, क्योंकि मेरे घर में 2 या 3 तो चाहिए ही होता है फॉर एनी मील। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं चिकन का के साथ ये बना लेती हूँ तो एक से ही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा कुछ चाहिए जो झटपट से बन भी जाए और खान सब खा भी ले। और वैसे भी माई फोकस वॉज लाइक टू फिनिश टूडेज टू डू लिस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मैं यूजुअली कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से ही करती हूँ, ज़्यादातर चिकन एंड फिश। और उसमें मैंने अनियंस को डाला है, फिर 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसमें मैं अब चिकन के पीसेस डाल रही हूँ, ये अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ चिकन हैं। वी विल फ्राई दिस फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। अच्छे से दोनों साइड से हम अच्छे से भून लेंगे इसको। नाउ वी विल एड द बेसिक स्पाइसेस लाइक द चिली पाउडर, थोड़ा सा ही टर्मरिक पाउडर, धनिया और जीरा एंड सॉल्ट।
वी विल कुक इट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज प्लीज गो एंड वॉच इट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड ऑल्सो यू विल गेट इट इन द आई बटन। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, जो पालक से पानी निकलेगा उसी से ही हो जाएगा। और अब हम इसे कवर करके 5-10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। अब हम इसमें लास्ट एंड में लेमन जूस डालेंगे। सो डिनर इज़ रेडी एंड अभी मेरे पास आई हैव टू थिंग्स लेफ्ट। दैट्स इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, लाइक मैं एक चीज़ से दो आइटम्स बनाने वाली हूँ एंड दैट यू विल फाइंड इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।